दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही मनोरंजन से भरपूर कहानी है। सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है थ्री एस्पायरिंग रॉयल एडवाइजर्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? एस्पायरिंग का अर्थ होता है महत्वाकांक्षी, कर कोई भी महत्वाकांक्षी या फिर कोई इच्छुक, उसे एस्पायरिंग कहा जाता है। रॉयल मतलब शाही, एडवाइज़र का मतलब सलाहकार। थ्री एस्पायरिंग रॉयल एडवाइजर्स मतलब कि तीन इच्छुक, या कह सकते हैं महत्वाकांक्षी शाही सलाहकार। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहानी को पूरे ध्यान से सुने ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। और यदि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे व्हेन अकबर वॉज इन द कोर्ट डिस्कसिंग समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट विद ऑल हिज कोर्टियर्स एंड मिनिस्टर्स, अ गार्ड केम एंड सेड, माय लॉर्ड, थ्री मैन आउटसाइड आर वेटिंग टू मीट यू। दोस्तों, काफ़ी लंबा सेंटेंस है, अब इसे थोड़ा थोड़ा करके इसको ट्रांसलेट करेंगे। क्या अर्थ हुआ? एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, व्हेन, जब अकबर वॉज इन द कोर्ट, जब अकबर दरबार में थे, डिस्कसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ही कोई महत्वपूर्ण जो चीज़ थी उसको वो, उस पर वो चर्चा कर रहे थे, विद ऑल हिज कोर्टियर्स अपने सभी दरबारियों के साथ, एंड मिनिस्टर्स और मंत्रियों के साथ, अ गार्ड केम। और दोस्तों, ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, केम मतलब कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म में केम। अ गार्ड केम, एक जो गार्ड था, सुरक्षाकर्मी था, वो आया, एंड सेड, और कहा, माय लॉर्ड मतलब कि मेरे महाराज, थ्री मैन आउटसाइड आर वेटिंग टू मीट यू। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है, ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है, जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग, सॉरी, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है, जहाँ पर इज एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? मतलब माय लॉर्ड, मेरे महाराज, थ्री मैन आउटसाइड आर वेटिंग टू मीट यू, मतलब तीन आदमी, मतलब बाहर तीन आदमी आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं, शुड आई सेंड देम इन। और दोस्तों, ये जो वाक्य है, इसमें शुड का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और शुड का प्रयोग वाक्यों में जब किया जाता है, जब हम कोई भी सलाह या सुझाव को दर्शाना चाहते हैं। तो उसने क्या कहा? शुड आई सेंड देम इन, इन मतलब अंदर, क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूँ। चलिए आगे देखिए। अकबर आस्क द गार्ड, जो अकबर थे, उन्होंने गार्ड से, सुरक्षाकर्मी से पूछा, वॉट इज़ द मैटर विद दैम, वॉट इज़ द मैटर विद दैम मतलब उनके साथ क्या मामला है, आर दे इन ट्रबल, क्या वो किसी परेशानी में है, और या इन डिस्प्यूट विद वन अनादर, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, या फिर वो एक दूसरे के साथ किसी विवाद में है। द गार्ड रिप्लाइड, रिप्लाई मतलब जवाब देना, जो गार्ड था, सुरक्षाकर्मी था, उसने जवाब दिया, नो लॉर्ड, महाराज नहीं, दे सीक टू बी रॉयल एडवाइजर्स। तो उसने, और दोस्तों, सीक का मतलब होता है मांगना, किसी चीज़ की चाह रखना, उसे सीक कहा जाता है, और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तो वहाँ दे का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में, जिसका अर्थ होता है वे या फिर वे लोग। तो उसने क्या कहा कि महाराज नहीं, दे सीक टू बी रॉयल एडवाइजर्स मतलब कि वह शाही सलाहकार होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। चलिए आगे देखिए। अकबर वॉज सरप्राइज्ड एंड अम्यूज्ड एट द सेम टाइम, क्या अर्थ हुआ दोस्तों? सरप्राइज मतलब हैरान होना, और अम्यूज का मतलब था खुश होना, तो जो अकबर थे वो खुश थे, और साथ ही साथ वो हैरान भी थे। अकबर न्यू
हाउ टू टेस्ट अ पर्सन स्वीट। और दोस्तों यहाँ पर्सन के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया, जिसका मतलब होता है का के की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। और विट का मतलब होता है बुद्धिमानी, आप इसे नोट कर लीजिए। नाउन ने क्या अर्थ हुआ, अकबर न्यू हाउ टू टेस्ट अ पर्सन स्वीट, मतलब जो अकबर थे वो जानते थे कि किस तरह से एक व्यक्ति की बुद्धिमानी की परीक्षा की जाती है। एंड जज हिम, और उसको कैसे जज किया जाता है, मतलब कैसे उसको कैसे उसका आकलन किया जाता है। और दोस्तों जज मतलब आकलन करना, एंड जज हिम अकॉर्डिंगली, और उसके अनुसार कैसे उसका आकलन किया जाता है। सो इसलिए ही टोल्ड द गार्ड, इसलिए उन्होंने गार्ड को कहा टू लेट दोज थ्री एस्पायरिंग रॉयल एडवाइजर्स इन, इसलिए उन्होंने उन तीन इच्छुक जो शाही सलाहकार थे उनको उन्होंने अंदर आने के लिए कहा, अंदर आने देने के लिए कहा। When they appeared before the emperor, दोस्तों appear का मतलब होता है प्रतीत होना, आना, दिखना। When they appeared before the emperor, और जब वो सम्राट के सामने आए, they expressed उन्होंने व्यक्त किया how honored they were, कि वो कितने ज़्यादा गौरवान्वित हैं। To be standing, हाउ ऑनर देवर टू बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सच अ ग्रेट मैन, मतलब जब वो सामने आए तो उन्होंने इस बात को एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया कि एक इतने महान आदमी के सामने खड़े होने पर वो कितने ज़्यादा गौरवान्वित हैं। इन फ्रंट ऑफ सच ए ग्रेट मैन, एंड ऑल्सो दैट दे एस्पायर्ड, और उन्होंने इस बात को भी व्यक्त किया, दे एस्पायर्ड, अपनी मतलब कि उनकी इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, टू होल्ड इम्पोर्टेंट पोजिशंस इन द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में मतलब कोई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होने की उनकी इच्छा है, इस बात को भी उन्होंने व्यक्त किया। चलिए आगे देखिए। अकबर हैड सेंस्ड प्राइड एंड ओवर कॉन्फिडेंस इन देम, क्या अर्थ हुआ। दोस्तों इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। जब किसी वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में होता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। सेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का अंदाज़ा हो जाना, पता लग जाना। जो अकबर थे उन्हें इस बात का अंदाज़ा लग गया था, हैड सेंस्ड प्राइड एंड ओवर कॉन्फिडेंस इन देम, मतलब कि अकबर को उनके अंदर अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस का, अति आत्मविश्वास का उनके अंदर उन्हें पता चल गया था। चलिए आगे देखिए। So he decided to give them a task, क्या अर्थ हुआ। Decide का मतलब होता है निर्णय करना, फैसला करना। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। उसके अलावा एक और वर्ब को इसमें जोड़ा गया है। जब हम दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं तो पहली वर्ब के बाद टू लगाते हैं और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, और टास्क मतलब काम। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, सो ही डिसाइडेड टू गिव देम ए टास्क, इसलिए उन्होंने उनको एक काम देने का फैसला किया। ही सैड, उन्होंने कहा, जेंटलमैन मतलब कि सज्जनों, आई सी मैं देखता हूँ यू विश टू होल्ड इम्पॉर्टेंट पोजिशंस इन द रॉयल कोर्ट, उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ कि आपकी इच्छा है शाही दरबार में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होने की आपकी इच्छा है। हाउएवर, हालांकि यू वुड नॉट बी अपॉइंटेड टू इम्पॉर्टेंट पोजिशंस ऑन द बेसिस ऑफ योर एस्पिरेशन, तो उन्होंने क्या कहा कि हालांकि आपको यू वुड नॉट बी अपॉइंटेड, आपको नियुक्त नहीं किया जाएगा टू इम्पोर्टेंट पोजिशंस, महत्वपूर्ण पदों पर ऑन द बेसिस ऑफ योर एस्पिरेशन, तो उन्होंने क्या कहा कि और दोस्तों एस्पिरेशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, जो एक नाउन है आप इसे नोट कर ले। तो उन्होंने क्या कहा कि हालांकि आपको मतलब कि जो महत्वपूर्ण पद है उस पर आपको नियुक्त नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर एस्पिरेशन, सिर्फ आपकी महत्वाकांक्षा के आधार पर आपको जो महत्वपूर्ण पद हैं उनके ऊपर आपको नियुक्त नहीं किया जाएगा। यू ऑल विल हैव टू टेक अ चैलेंज, तुम सबको एक चुनौती स्वीकार करनी होगी, एक चैलेंज लेना होगा, टेक चैलेंज एंड सक्सीड इन इट, और उसमें सफल होना होगा। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, सक्सीड एक वर्ब है जिसका मतलब सफल होना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ, उन्होंने क्या कहा, यू ऑल विल हैव टू टेक ए चैलेंज, आप सबको एक चुनौती लेनी होगी, एंड सक्सीड इन इट, और उसमें सफल होना होगा। नाउ अब टेक दिस सिल्क क्लॉथ, अब इस ये जो सिल्क जो क्लॉथ है, मतलब ये जो
ये जो मखमल का कपड़ा है, नाउ टेक दिस सिल्क क्लॉथ, मतलब इस कपड़े मखमल के कपड़े को लो, एंड कवर मी एंटायरली, और मुझे पूरी तरह से ढक दो, विद इट, और मुझे इससे पूरी तरह से ढक दो। रिमेंबर, याद रहे दैट कि द क्लॉथ शुड कवर मी एंटायरली, कि जो कपड़ा है वो मुझे पूरा पूरी तरह से ढक ले। तो उन्होंने क्या कहा कि इस बात को याद रखना कि जो कपड़ा है वो मुझे पूरी तरह से ढकना चाहिए। आगे देखिए, द थ्री मैन थॉट दैट इट वुड बी एन ईजी टास्क, तो जो तीनों आदमी थे उन्होंने सोचा कि ये एक आसान काम होगा। और दोस्तों ये थिंक की शायद यहाँ मिस प्रिंट है, तो टी यहाँ से मिसिंग है, इसे आप थॉट ही समझें। थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म थॉट, तो एच के बाद यहाँ टी समझ लें क्योंकि ये मिस प्रिंट है। द थ्री मैन थॉट दैट इट वुड बी एन ईजी टास्क, मतलब जो तीन आदमी थे उन्होंने सोचा कि ये एक आसान काम होगा। सो इसलिए ऑल ऑफ देम स्टेप्ड अहेड, इसने जो ऑल ऑफ मतलब वो सभी स्टेप्ड अहेड, वो आगे आए, विथ कॉन्फिडेंस मतलब वो आत्मविश्वास के साथ वो आगे बढ़े। स्टेप अहेड मतलब आगे बढ़ना। आगे देखिए, द फर्स्ट वन ट्राइड कवरिंग द स्टैंडिंग एम्परर, जो पहला वाला था उसने कोशिश की ढकने की, द स्टैंडिंग एम्परर मतलब खड़े हुए सम्राट को उसने ढकने की कोशिश की, विद द क्लोथ कपड़े से, एंड फाउंड आउट, और उसे उसने ये पाया दैट कि द क्लोथ वॉज समवट शॉर्टर, कि जो कपड़ा था वो थोड़ा छोटा था, छोटा है, उसने ये पाया कि जो कपड़ा है थोड़ा छोटा है। ही ट्राइड टू स्ट्रेच द क्लोथ टू सक्सीड, स्ट्रेच मतलब होता है दोस्तों खींचना, और उसने ही ट्राई टू स्ट्रेच द क्लोथ, उसने कपड़े को खींचने की कोशिश की, टू सक्सीड सफल होने के लिए, बट लेकिन इट डिड नॉट हेल्प, लेकिन इस चीज़ ने काम नहीं किया। चलिए आगे देखिए, देन फिर द सेकेंड मैन केम, फिर जो दूसरा आदमी था वो आया, ही ऑल्सो ट्राइड एवरी ट्रिक, उसने भी जो सारी जो उसकी ट्रिक थी, जो उसकी चालें थी, वो उसने उनको उसने आजमाया, बट ऑल हिज एफर्ट्स प्रूव्ड टू बी एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी, और दोस्तों फ्यूटिलिटी का मतलब निरर्थकता, और जो उसके सारे जो एफर्ट्स थे, प्रयास थे, प्रूव्ड टू बी एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी, वो सारे मतलब जो उसके प्रयास थे वो निरर्थक साबित हुए। एंड द थर्ड वन ट्राइड टू पुट इन सम स्ट्रेटजी, और जो तीसरा था उसने एक स्ट्रेटजी मतलब एक योजना उस पर लागू करने की कोशिश की। इन ऑर्डर टू कवर अकबर, अकबर को ढकने के लिए उसने एक मतलब जो योजना थी वो उसने लगाई, बट ही ऑल्सो फेल्ड, लेकिन वो भी विफल हो गया, विद अटर डिसअपॉइंटमेंट मतलब पूरी तरह से निराशा के साथ वो भी विफल हो गया। चलिए आगे देखिए, और दोस्तों आगे हमें पता चलेगा कि लास्ट में कामयाब कौन हुआ। देन फिर अकबर कॉल्ड बीरबल, फिर अकबर ने बीरबल को बुलाया, एंड आस्क्ड हिम टू डू द सेम टास्क, और एंड आस्क्ड हिम टू डू द सेम टास्क, और उनको भी वही काम करने को कहा। चलिए आगे देखिए, बीरबल केम एंड आस्क्ड द एम्परर टू सिट ऑन हिज थ्रोन, क्या अर्थ हुआ दोस्तों? आस्क का मतलब पूछना होता है, और आस्क का मतलब ये भी होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहते हैं उसे भी आस्क कहा जाता है, तो यहाँ पर इसका मतलब है उनको किसी काम को करने को कहना। तो इसका क्या अर्थ हुआ, बीरबल केम, जो बीरबल थे वो आए, एंड आस्क्ड द एम्परर, और उन्होंने सम्राट को कहा, टू सिट बैठने को, ऑन हिज थ्रोन, और उन्होंने सम्राट को अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। और दोस्तों ये टी एच आर ओ एन ई, आप इसे नोट कर लीजिए, थ्रोन का अर्थ होता है सिंहासन, और ये एक नाउन है। चलिए आगे देखिए, ही सैड, उन्होंने कहा, योर मजेस्टी महाराज, यू शुड नॉट बी स्टैंडिंग व्हेन ऑल ऑफ अस आर सिटिंग, तो उन्होंने क्या कहा कि महाराज कि जब हम सब बैठे हुए हैं, व्हेन ऑल ऑफ अस आर सिटिंग, जब हम सभी बैठे हुए हैं तो आपको खड़ा नहीं होना चाहिए। I request you to sit down. मैं आपसे बैठने का अनुरोध करता हूँ, मतलब मैं आपसे नीचे बैठने का अनुरोध करता हूँ, with all comfort, पूरे आराम के साथ।
Akbar sat down and Birbal put the silk cloth on the sitting emperor. क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है. सिट मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म है सैट. अकबर सैट डाउन, अकबर नीचे बैठ गए. एंड बीरबल पुट द सिल्क क्लॉथ ऑन द सिटिंग एम्परर, और जो बीरबल थे उन्होंने इस सिल्क क्लॉथ को इस मखमल के जो जो कपड़ा था वो सेट डाउन एंड बीरबल पुट द सिल्क क्लॉथ ऑन द सिटिंग एम्परर, और बीरबल ने बैठे हुए जो सम्राट थे उनके ऊपर ये जो मखमल का कपड़ा था वो रख दिया. कवरिंग हिम कम्प्लीटली, उनको पूरा ढकते हुए. कम्प्लीटली मतलब पूरी, उनको पूरी तरह से कवर करते हुए ढकते हुए. सीन्स, क्योंकि अकबर हैड सेट डाउन, क्योंकि जो अकबर थे वो बैठ चुके थे. हिज हाइट, जो उनकी हाइट थी, जो उनकी लंबाई थी, डिक्रीज्ड, वो घट गई. एंड और ही कुड बी ईजली कवर्ड, और उनको आसानी से ढका जा सका विद द सिल्क क्लॉथ, उस मखमल के कपड़े से. चलिए आगे देखिए. अकबर सेड टू द थ्री मैन, जो अकबर थे उन्होंने उन तीनों आदमियों से कहा, जेंटलमैन, सज्जनों, इट इज़ नॉट ईजी टू पजेस कॉमन सेंस. क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों पजेस का मतलब होता है कुछ होना. तो उन्होंने क्या कहा कि सज्जनों, मतलब जेंटलमैन सज्जनों, इट इज़ नॉट ईजी टू पजेस कॉमन सेंस, मतलब व्यवहारिक बुद्धि का होना जो है वो आसान बात नहीं है. आफ्टर ऑल, और वैसे मतलब कि सबके बाद, इट इज़ नॉट सो कॉमन एज वी थिंक, और ये इतनी कॉमन, इतनी सामान्य भी नहीं होती है. वी थिंक, जितना हम सोचते हैं, इट टू बी, मतलब जितना हम इसे सोचते हैं वो इतनी भी कॉमन नहीं होती है. नाउ अब यू मे हैव अंडरस्टूड, अब शायद आप समझ चुके होगे. वाई, क्यों? बीरबल इज़ एट दिस पोजिशन, कि जो बीरबल है वो इस पोजिशन पर, मतलब इस पद पर क्यों है, ये बात आप शायद समझ चुके होगे. एंड यू आर नॉट, और आप इस पद पर नहीं हो. चलिए आगे देखिए. द थ्री मैन लेफ्ट द कोर्ट एंड अकबर हैप्पीली गिफ्टेड अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू बीरबल. क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है. लीव मतलब छोड़ना, रवाना हो जाना, और सेकंड फॉर्म है लेफ्ट. द थ्री मैन लेफ्ट द कोर्ट, जो तीन आदमी थे, मतलब उन तीनों आदमियों ने दरबार छोड़ दिया, दरबार से चले गए. एंड अकबर हैप्पीली गिफ्टेड, और जो अकबर थे उन्होंने खुशी खुशी मतलब कि उपहार में दे दिया अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों का एक जो थैला था वो बीरबल को उन्होंने खुशी खुशी उपहार में दे दिया. चलिए तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी का जो कंक्लूज़न है, या कह सकते हैं कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी. जैसा आपने इस कहानी में देखा कि वो जो तीनों लोग आए थे दरबार में, जो ऊंचे पदों पर आसीन होना चाहते, चाहने की इच्छा रखते थे, महत्वाकांक्षा रखते थे, लेकिन उन व्यक्तियों में अहंकार था और आत्मविश्वास भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन उनके अंदर व्यवहारिक बुद्धि नहीं थी. इसी वजह से जो काम उन्हें राजा साहब ने दिया वो लोग नहीं कर पाए, और उस काम को जो बीरबल थे उन्होंने बहुत ही आसानी से कर दिया. तो दोस्तों इस बात से यही बात सिद्ध होती है कि कई सारे ऐसे काम होते हैं जहां पर सिर्फ बुद्धिमानी का या फिर कॉमन सेंस का ही काम होता है, और वहां पर यदि हम किसी भी और तरह की ताकत का इस्तेमाल करें तो वो काम नहीं होता है. तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो कॉमन सेंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा लाइफ में प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा काम की होती है, और उससे हम कई टास्क को हम ईज़िली कर भी पाते हैं. तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी. यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. और दोस्तों हमेशा की तरह आज मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, दो वर्ड्स दूंगा आपको, उनको वाक्यों में ट्रांसलेट करना है. चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए. पहला वर्ड है दोस्तों लेफ्ट. दोस्तों ये लीव की सेकंड फॉर्म है. लीव मतलब छोड़ना, रवाना होना, सेकंड फॉर्म है लेफ्ट. तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है. और दूसरा है हैप्पीली. दोस्तों हैप्पीली एडवर्व है, और एडवर्व का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए. और आप देखेंगे ज़्यादातर जो एडवर्व हैं वो एलवाई पे ख़त्म होते हैं, और हैप्पीली का मतलब होता है खुशी से. तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है. तो इस तरह से आपको दो वाक्य बनाने हैं, और आपको उन्हें कॉमेंट सेक्शन में बताना है. यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे एंड बाय.